गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 5 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी, एक नई सुबह एक नए भाव के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूं प्याज मंडी में, और दोस्तों ये स्पेशल जो है प्याज मंडी ही नहीं है, आलू और प्याज दोनों का है जी। और इधर जो है ऊपर के साइड में आपको आलू प्याज दोनों का आड़त मिल जाएगा, और इधर जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो इधर भी जो है आलू प्याज का आड़त है जी। बाकी जान लेंगे, एक बार क्वालिटी दिखा दूँ आप सभी को, इस समय जो है फिलहाल मंडी के अंदर किस प्रकार का क्वालिटी आ रहा है। और दोस्तों प्याज में जो है ग्राहकी काफी कम देखने को मिल रहा है, डेली गाड़ी जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, बैलेंस रह जा रहा है मंडी में। और जान लेंगे अभी जो है फिलहाल अराइवल कितना हो रहा है मंडी के अंदर, और किस किस राज्य से माल आ रहा है, और क्या रेट खुला है, पिछले सप्ताह के मुकाबले बाजार सेम है या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, ये सारा जानकारी लेंगे आरती साहब से। हाँ जी नमस्कार सर जी। सर नमस्कार सर जी, थोड़ा अराइवल का बताओ और इस समय जो है गाड़ी कितना क्लियर हो रहा है मंडी में, और ग्राहक तो सर काफी कम देखने को मिला जी इस समय। सर अराइवल तो रूटीन की जो आ रही है वही आ रही है, मान के चलो जो ताजी अराइवल आज की तारीख में वो है 9 गाड़ी की। अच्छा जी। और 3 गाड़ी का बैलेंस मान के चले आप। अच्छा जी। और 700 कट्टा अलवर राजस्थान का हमारी। अच्छा जी जी। तो सर पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में कुछ सुधार देखने को मिला है या फिर मतलब सेम ही चल रहा है जी? सर बाजार बिल्कुल सेम है, सुधार वाली तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा, बाकी वो बाजार में कोई ज्यादा अंतर है भी नहीं, 3-4-5 दिनों से बाजार लेवल पर सेम ही चल रहा है। अच्छा जी। जो नासिक वाले की बात करें हम, जो बाहर पलटा हुआ ये नासिक का माल है। हाँ जी। ये रेंज मान के चले आप 15 रुपए किलो, 600 रुपए के आसपास, एक कलर 30 रुपए कम भी है। अच्छा जी, ये इसमें क्या हल्का रेडिश कलर है या पिंक है जी? सर इसमें थोड़ा सा ना साइज की थोड़ी सी दिक्कत है, वैसे तो ठीक है माल, ये थोड़ा साइज थोड़ा ज्यादा मीडियम पड़ रहा है इसका। अच्छा, ये जो मालों की पोजीशन है ये मानो आप 580 से लेके 600 रुपए। अच्छा जी। बाकी वैसे नासिक के जो बाजार है वो 560 रुपए से लेके 620 रुपए है। अच्छा जी। मन मन। अच्छा जी, 40 किलो का रेट है जी, 40 रुपए पर केजी के यहाँ से। और जो पूना बेल्ट के माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं हमारी मंडी में 16 से लेके 18 रुपए किलो, 16 से लेकर के 18। और सर जी अगर पिंक कलर में हो और बढ़िया साइज जो मतलब 60 mm प्लस, तो जो वो 17 से 18 रुपए, 17 से लेकर के 18 रुपए, वो पूना बेल्ट में ही आ रहे हैं माल उतने साइज के जो है। अच्छा जी। वो 17 से 18 रुपए। अच्छा जी। और सर जी अगर वही बात करें अलवर वाले प्याज का, तो उसका क्या बाजार चल रहा है? सर अलवर की तो अब माल समझ लो लगभग लगभग खत्म से हो रहे हैं, तो ना तो उनमें क्वालिटी बची है, तो वो तो सिर्फ मानो आप हल्के माल ही आ रहे हैं, तो वो 8 रुपए से लेके 10-11-12 रुपए तक। अच्छा जी जी। तो सर पीछे जो लोडिंग मंडी है सर, तो उधर भी प्रेशर मतलब ज्यादा है या फिर उधर भी डाउन है जी? दिसावर की बात कर रहे हैं, अलवर राजस्थान की बात कर रहे हैं? मतलब दिसावर की बता दो या फिर अलवर का भी बता दो जी। सर अलवर तो प्रेशर कोई है ही नहीं है, क्योंकि माल अलग अलग खत्म ही हो चुके हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो कोई ऐसी प्रेशर वाली बात है ही नहीं जी। बाकी इनमन जो ये दिसावर है, चाहे वो नासिक हो, पूना हो, चाहे एमपी हो, यहाँ पर माल तो भरपूर आ ही रहे हैं, और माल आने वाले दिनों में अराइवल बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। अच्छा जी जी। तो अब जो आने वाला समय है इसमें 98-1 रुपए किलो डाउन तो देखने को मिल सकता है आपको। हाँ जी। लेकिन तेजी वाली कोई बात नहीं रहेगी। अच्छा जी जी। मतलब प्रेशर जो है बन ही रहा है ना कि कम हो रहा है जी? सर बन रहा है और दिन ब दिन और बढ़ेगा भी है। अच्छा, मतलब इस टाइम जो प्रेशर है आने वाले दिनों में और प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कम अच्छा। नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो सर इसका जो है मतलब सिचुएशन कब सुधरता हुआ देखने को मिलेगा जी? जब कोल्ड स्टोरेज में जाने लगेगा तब, या फिर मतलब अभी 1-2 महीने बाद जी? सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुधरने का तो नाम आप डालना ही मत रिपोर्ट में, क्योंकि बाजार 98-1 रुपए किलो डाउन हो सकता है, बाजार बढ़ेगा नहीं। अच्छा। सिर्फ कोशिश ये हो और उम्मीद ये रखें कि इन बाजारों में बाजार स्टैंड हो जाए जी। और इन रेटों में बिक्री ढंग से खुल जाए। अच्छा जी। तो भी ठीक है। अच्छा। बस ज्यादा बाजार डाउन ना जाए। अच्छा, कहने का मतलब ये है। बाकी सुधरने की बात रही तो सुधरता नहीं है सर बाजार अभी। अच्छा जी जी। मतलब दूर दूर तक जो है मतलब सुधरने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा जी? कोई आसार नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 50 पैसे 1 रुपए किलो डाउन हो सकता है, तेजी की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा जी जी। और सर जी अगर बात करें अदर कंट्री का, तो अदर कंट्री में कुछ मतलब रिक्वायरमेंट बन रहा है जी? सर ये एक्सपोर्ट चल रहा है इसलिए बाजार स्टैंड भी है, अगर अच्छा। ये एक्सपोर्ट नहीं चल रहा होता तो बाजार आज कम से कम 2 से 3 रुपए किलो और डाउन खुलता। अच्छा, ये एक्सपोर्ट का प्रेशर बना हुआ है। अच्छा। एक्सपोर्ट खुल के चल रहा है इस टाइम, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसलिए माल वहाँ कट रहे हैं। अच्छा। अगर ये नहीं हो रहा होता तो आपकी आज की तारीख के अंदर बाजार 2 से 3 रुपए किलो डाउन होता बाजार। फिलहाल सर कहाँ कहाँ जाते हुए देखने? सर इस टाइम एक्सपोर्ट सब जगह खुले हुए हैं, जितने भी है, यूएई हो गया, दुबई हो गया, कोलंबो हो गया, ये जो एक्सपोर्ट चल रहे थे सब चल रहे हैं इस टाइम और खुल के चल रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में माल थोड़ा डिवाइड हो चुका है इसलिए बाजार यहाँ थोड़ा स्टैंड भी है। अच्छा जी। और सर जी अगर पैदावार का अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले, इस साल पैदावार कैसा रहा जी? किसान भाइयों का माल कैसा और फसल कैसा रहा? कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की भी, माल अच्छे बैठ रहे हैं, प्याज अच्छी बैठ रही है, जो बुआई हुई है वो पहले के मुकाबले कम नहीं है, भरपूर है। अच्छा, इसीलिए जो अराइवल हो रही है वो
फुल आ रही है और आने वाले टाइम में आप देखोगे और हफ्ते 10 दिन बाद ये अराइवल बढ़ जाएगी। और अच्छा जी, मतलब कई सारे एरिया और चल चुके हैं सर, एरिया चल गए हैं, अभी और खुल के चलेंगे। मतलब जैसे आप जैसे एमपी है अभी वो पूरा शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे कहते हैं फुल पावर में वो अभी और हफ्ते 10 दिन बाद चल जाएगा। अच्छा जी, तो सर इस समय जो है किसान भाइयों के लिए कुछ मतलब सजेशन रहेगा आपका, या किस तरह से माल निकालना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल 100% अगर उनके माल तैयार हो चुके हैं तो 100% माल आज की तारीख में उनको बेचना चाहिए, रोकने का कोई समझदारी नहीं, इस बार रोकने वाला माहौल बनेगा भी नहीं। अच्छा। अगर उनके माल बस बचरते ही है कि माल उनके तैयार हो चुके हो, माल अगर तैयार हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, साइज बन गया, क्वालिटी बन गई है, तो माल बेचने चाहिए। अच्छा जी जी, मतलब माल में अगर वजन आ चुका है जी। वजन आ चुका है, साइज बन गया प्याज का, तो बेचना चाहिए सर प्याज, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जो लास्ट में जो है किसान भाई होल्ड करके रखते हैं वो उम्मीद लगाते हैं, आशा लगाते हैं। हाँ, कई मतलब कई अफवाह में भी आ जाते हैं, कई सारा बात होता है जी। इसमें मंडी है और काम काज है जी, मतलब बिजनेस में तो यही देखा जाता है कि जो दो पैसे का लालच ही होता है जी, चाहे बिजनेस हो या फिर एग्रीकल्चर लाइन का हो या किसी भी लाइन का हो सर जी। तो आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा मतलब जो स्ट्रिक्ट सजेशन है उनके लिए थोड़ा दो। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लालच सब करनी चाहिए जब आगे कुछ दिख रहा हो। समझदार इंसान का मतलब ये कि जब आगे कुछ दिख नहीं रहा हो ना सर, तो आज की तारीख में अगर वो जो बट लेंगे वो फायदे में रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये साल स्टॉक करने का या लेट करने का नहीं है, माल तैयार हो गया तो उनको निश्चित रूप से जो भी उनका तरीका है, चाहे लोडिंग मंडी में वहाँ पीछे लोडिंग करें, चाहे आगे मंडियों में भेजें, लेकिन भेज के बेचने में ही समझदारी है आज की तारीख में। क्योंकि जो अभी 2022 का साल गया जी, उसमें भी जब पुराने प्याज किसान भाइयों ने स्टोर में रख करके रखा जी, मतलब सर, वो तो उन्होंने वही रेट का तेजी का मतलब उम्मीद लगाए रखा उन्होंने, जो आगे तेजी आगे तेजी आगे लास्ट में जो है वो तो वही 18। हाँ वो सर, वो नुकसान तो उन्होंने अपने हाथ से किया सर, वो उन्होंने कच्ची लालच कर ली, वो साल कमाने का था जिसमें उन्होंने घटा दिए जी, सिर्फ वो भी सिर्फ अपनी कमी की वजह से जी। जब माल बेचना चाहिए था तब उन्होंने बेचा नहीं, स्टॉक कर लिया, जब उनको दिख ही रहा है कि आगे कुछ नहीं है, फिर फेकम फाक हो गई जी। तो आगे फिर क्या करोगे, क्योंकि सेल पॉइंट तो लिमिट गई है आगे कहीं भी हुई जी। तो वो तो पिछला साल जो उन्होंने गलती की है वो अपने हाथ से किया, नुकसान अपने हाथ से किया गया, वरना नुकसान होता नहीं सर उनको जी। इस साल भी मैं वही कह रहा हूँ कि ये साल भी वही है, अगर माल उनका तैयार हो गया है, मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल निश्चित रूप से बेचना चाहिए, समय का इंतजार ना करें, अगर समय का इंतजार करोगे तो नुकसान ज्यादा होगा जी। और सर जब तेजी आता है तो तेजी सर 10-15 दिन का आता है, और जब मंदाई चलता है जो 2-2 महीना 3-3 महीना खींच जाता है सर। देखिए तेजी और मंदे की बात आप बहुत बेसिक चीज समझो कि प्रैक्टिकल चीज पे समझनी चाहिए, जब फसल बढ़िया हो, अब अचानक कुछ हो जाए तो अलग बात रही, वरना जब माल भरपूर हो, फसल पूरी बन रही के आ रही हो जी, हर इलाके में फसल अच्छी बैठ रही हो, तो कहां से तेजी की उम्मीद लग रही है आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में एक्सपोर्ट बंद कर दो तो बाजार 3 रुपए किलो डाउन है, एक्सपोर्ट बंद ना भी करो एक हफ्ते बाद आपको दिखाऊंगा ये बाजार 1 रुपए किलो डाउन हो सकता है, बाकी तेजी की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो जब हमारे को अब से लेके आगे तक कुछ दिख ही नहीं रहा जी जी, तो आप स्टॉक करके रखने का फायदा क्या सर? बिल्कुल सर, तो अब चीजें कुछ तो आप ऑन पेपर रखेंगे ना कि हाँ भाई किस कारण से आपको तेजी दिख रही है, जब तेजी का कोई माहौल दिख ही नहीं रहा, तेजी का मतलब ही नहीं सर आने का। मतलब किसान भाइयों को अगर अगर स्टॉक करना भी है तो उतना परसेंट करे जो मतलब जितना उनका मुनाफा जो है जी, पहले तो अपना जितना भी खाद पानी का जो है लेबर वगैरह का जो है लागत उन्होंने लगाया है वो पहले निकाल ले, अगर फिर उसके बाद अगर बचता है तो फिर वो करे जी। लेकिन सर ये साल तो वो भी नहीं है, ये साल तो बेच के साइड होने का है। अच्छा जी, ये साल तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जो माल हो बेच के साइड होने का साल है सर। अच्छा, क्योंकि आगे निश्चित रूप से डाउन ही दिख रहा है, तेजी की उम्मीद है नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी आस लग रही होती या कोई और कारण होता प्रैक्टिकल रीजन में, सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं, बिल्कुल कि मैं बोल दूं कि हाँ पीछे आने वाले टाइम में 4 रुपए किलो या 3 रुपए किलो तेज हो जाएगा, उन सब बातों में नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे अगर कोई रीजन दिख रहा होता तो मैं निश्चित रूप से बोलता कि हाँ भी आगे ले आने समय में तेजी दिखती है जी जी। जब प्रैक्टिकल से कोई रीजन है ही नहीं तो रोकने का मतलब क्या है सर? बिल्कुल सर, तो आज की तारीख में तो सर इनको बेच के फ्री होना चाहिए सर। और सर जी अगर बात करें गुजरात वाले प्याज का, लाल प्याज का, तो उसका क्या बाजार चला गया? सर गुजरात के माल हमारी मंडी में वैसे आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोग थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं उनको। अच्छा, बाकी बाजार उनके मानो जो काले रंग के माल हैं वो 12-14 रुपए। अच्छा जी, जो पिंक कलर जिसको माइक्रो या माइको कहते हैं जी, वो 14-15-16 रुपए। अच्छा सर जी, ज्यादातर जो है कंपेयर करके देखा जाता है आजादपुर और केशवपुर को जी, तो इस समय आजादपुर का भी जो है क्या सिचुएशन है, रेट सेम ही चल रहा है फिर कुछ नहीं? इस टाइम सर आजादपुर और हमारी मंडी का रेट लगभग सेम है, बाजार के हिसाब से कभी 10-20 पैसे वो तेज कभी हम तेज वो अलग बात रही, लेकिन बाजार ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा जी जी, ये तो नहीं देखने को मिलता सर जैसे मतलब यहाँ पे 19 चल रहा है तो वहाँ पे 20 चल रहा हो? नहीं नहीं सर, अभी इस टाइम नहीं है, वो पहले फर्क रहता है 1 रुपए किलो का, हमारी मंडी थोड़ा तेज रहती है,
लेकिन आज की तारीख में बाजार लगभग लगभग सेम है सर। अच्छा जी सर, जी एक बार आरती नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता जी। सर सर अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40, मोबाइल नंबर है 98 11 35 71 76। ओके जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोस्तों आप सभी भाइयों को अगर प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी भाइयों का जवाब देने के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।